नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। आज नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। 4 से 4:30 बजे के बीच में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होने वाला है और ऐसे में राजभवन में अभी से लेकर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है। और नीतीश कुमार जबकि शपथ लेने जा रहे हैं, ऐसे में कई बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर भी है, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने संवाददाता आलोक से जुड़ते हैं। आलोक, बताएंगे कि इस वक्त की बड़ी खबर क्या निकल कर सामने आ रही है। सीधे चलते हैं आपको लिए आलोक के पास। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको पता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 7वीं बार शपथ लेंगे और ऐसे में मुख्य अतिथि के रूप में 3 बड़ी हस्तियां बिहार आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार आ रहे हैं, साथ साथ जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी बिहार आ रहे हैं, बीएल संतोष भी बिहार आ रहे हैं। इन तीनों की बिहार आने की खबर है और तीनों ही शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आपको पता है बिहार में 2 डिप्टी CM होने जा रहे हैं बीजेपी के। एक तो तारकिशोर प्रसाद का नाम सबसे ऊपर था, कल हमने उनसे बातचीत भी की थी, उन्होंने कहा था कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी हम उसे निभाएंगे। वहीं दूसरी ओर रेणु देवी का भी नाम सामने निकल के आया है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आज शपथ ग्रहण समारोह में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7वीं बार शपथ लेंगे, बिहार को संभालने की जिम्मेदारी उनके हाथ में जाएगी, तो उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे राजभवन में। तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें जेडीयू और बीजेपी कोटे से कई मंत्री भी आज शपथ लेंगे, साथ साथ जो एनडीए घटक दल अलायंस के जो पार्टनर है वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उनके भी तरफ से मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी रखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, अमित शाह का बिहार आना। आपको पता है पूरे चुनाव में जब जेपी नड्डा आए थे, उन्होंने घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया था और जेपी नड्डा भी आज जब आ रहे हैं, तो ऐसे में इस वक्त की जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री और बीएल संतोष, तीनों ही शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह जो है वह उतने भव्य तरीके से नहीं हो रहा है, राजभवन के अंदर हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल का समय है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोगों को ख्याल रखना है। लेकिन इस कार्यक्रम को और बड़ा करने के लिए अमित शाह की मौजूदगी कहीं ना कहीं एक अहम दिख रही है। संजय मयूख जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, उनके हवाले से खबर निकल के आ रही है, उन्होंने ही इस खबर को पक्की की है कि अमित शाह आज बिहार आ रहे हैं। 4:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहाँ मौजूद होंगे, साथ साथ जेडीयू और बीजेपी के तमाम बिहार के जो बड़े नेता हैं वो सभी वहाँ मौजूद रहेंगे। तमाम गणमान्य अतिथियों के बीच में नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की कमान संभालेंगे, 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजभवन में तैयारियां शुरू होने लगी हैं। जो खबर निकल के आई सबसे पहले दिल्ली से, वो हमने अब तक पहुंचाई है। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।